हेलो हाय 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 कालीन भैया कहां रह गए राकेश रंजन भाई पंकज राघव भाई प्रवीण पाल जी मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार आप सभी को नया साल मुबारक हो ढेर शुभकामनाएं तो आज संडे को क्लब लगाने के पीछे उद्देश्य क्या था वो डिस्कस करते हैं आपसे दो तीन मिनट चार मिनट बात कर लेते हैं कैप्टन को लक्ष्मण चौधरी जी उसके बाद फिर पढ़ाई चालू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इश्यू क्या था कि आप तो जानते ही हैं इकतीस को हमारी हरकतों ने छुट्टी कर दी क्रिकेट मैच के चक्कर में हमने एक को छुट्टी रखी थी कैरियरवेल ने उसके बाद इन्होंने दो को भी छुट्टी रख दी तीन की संडे था ही तो इकतीस एक दो तीन ये तीन दिन की छुट्टी हो गई और ये मेरी जानकारी में नहीं थी कि कैरियरवेल ने ऐसा किया हुआ है और मेरे से ये पूछ के नहीं हुआ था ये छुट्टी डिक्लेयर हो रखी थी सारे स्टाफ की उस चक्कर में आपकी क्लास ना तो हम मैं एक तारीख को लाइव कर पाया ले पाया ना मैं दो को लाइव ले पाया इसलिए फिर मैंने आज क्लास रखी कि बच्चों का इतना नुकसान ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े उस नुकसान के लिए इसलिए मैंने आज ये संडे को क्लास रख दी और आज इसका टाइमिंग था पाँच बजे नोट नोटिफिकेशन पाँच का ही भेजा होगा ना लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि ग्रस्त व्यक्ति कोई ना कोई आ जाता है संडे को तो बैठना पड़ता है बातचीत करनी पड़ती है उसमें थोड़ा समय लग जाता है इसलिए मैं लेट हो गया तो आज हम क्लास छः बजे से रख रहे हैं तो आप सबको हाथ जोड़कर माफ़ी आप सबसे कि क्लास लेट कर रहे हैं लेकिन अब क्लास बढ़िया से हम पढ़ेंगे मस्त तरीके से ठीक है कल आपकी आठ बजे वाली क्लास एज ए टीच चलेगी आज आठ से साढ़े नौ वाला जो हमारा बैच था उसकी क्लास मैंने पाँच बजे से रखी थी लेकिन पाँच बजे मैं कोई आ गया था इस वजह से अब छः बजे से करनी पड़ी आए ना दूसरी कल से आपकी क्लास एज ए टीच रेगुलर क्लास होगी बिना किसी इंटरेक्शन के बिना किसी ब्रेक के आज की क्लास का मैंने उद्देश्य बता दिया क्योंकि हमसे गलती होगी हमने एक तारीख को भी छुट्टी कर दी तुम्हारी दो को भी छुट्टी कर दी और इकतीस को बताइए तुम तो मैच खेल लेते थे हम धोनी बन लेते अपने मन में बहुत ज़्यादा तो माफ़ करिएगा भाई उन चीज़ों के लिए और उसके बाद आपको ये भी पता है कि मैं आगे फिर छुट्टी करूँगा दो दिन ग्यारह और बारह तारीख को फिर आप गाली वक्त इसलिए आज ये संडे की क्लास ली और कोशिश करेंगे जितना लंबा खींचा जा सके जितनी देर पढ़ाया जा सके मन लगा के उतनी देर पढ़ाने की कोशिश करूँगा ठीक है बॉलिंग लाइक स्टार्क हाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों टाइम एंड वर्क आज हम पढ़ रहे हैं कुछ चीजें जो पीछे पढ़ाई उनमें कहीं डाउट रह गया होगा प्रैक्टिस की कमी होगी आप मुझे बताते रहिएगा सारी चीजें मैं समय पे आपको कराता रहूंगा टाइम एंड वर्क कार्य तथा समय कार्य तथा समय कार्य तथा समय मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है हर एग्जाम में लगभग इससे एक से दो क्वेश्चन रहते हैं फ्री में और एस एस मीन्स की बात करें तो लगभग लगभग चार से पांच सवाल आ जाते हैं मीन्स में मयंक गुप्ता जी आपको भी हैप्पी ईयर मेरे भाइयों सर या वही एस ए चलीसा है सिवा क्या लिख रहा है वे समझ नहीं पा रहे ज्योमेट्री की प्रैक्टिस राकेश रंजन भाई आप खुद से करिए मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा ज्योमेट्री की प्रैक्टिस क्योंकि अब मैं ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कराने लग गया ना तो हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि फिर बैच खत्म नहीं होगा तुम्हारा तुम फिर गल चबकोगे गा मुझे है ना मई में तुम्हारा पेपर है सी का तो उससे पहले ख़त्म कराने के लिए और प्रैक्टिस की रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैंसोरेशन थ्री की मिल जाएगी अभी मैनसोरेशन टू हम करा ही चुके हैं ज्योमेट्री की रह गई है प्रैक्टिस वो भी मैं करा दूंगा आप चिंता ना करो मैं हूँ आपके साथ डोंट वरी आइए देखिए अब जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे तो हम वहाँ ऐसे सवाल पड़ा करते थे कि जी ए किसी काम को बारह दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को बीस दिन में पूरा तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये बात है उन दिनों की जब हम छोटे बच्चे थे तो हो, स्कूल की बातें हैं तो स्कूल में हमेशा लिखने के नंबर होते थे तो हम काम ऐसा माना करते थे जिससे हमारा लिखने का प्रोग्राम लंबा चौड़ा हो जाए तो हम ऐसी स्थितियों में माना करते थे कि माना मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ तो ऐसे माना करते थे कि माना कुल कार्य माना कुल कार्य बराबर एक इकाई माना कुल कार्य एक इकाई लेट टोटल वर्क इज 1 यूनिट हम ऐसे माना करते थे कि मान लिया जी टोटल जो वर्क है वो 1 यूनिट तो ए 12 दिन में एक यूनिट काम करता है और बी भी, भी उसी काम को 20 दिन में करता है नहीं, बी 20 दिन में एक यूनिट काम करता है तो मेरे बच्चों अगर ए 12 दिन में एक यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा एक बटे 12 यूनिट वर्क यानी 1/12 यूनिट वर्क पर डे है ना बी जो है वो बीस दिन में एक यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा एक बटे बीस यूनिट पर डे और मेरे बच्चों कहानी अब ये है कि ये एक दिन में एक बटे बारह काम करता है ये एक दिन में एक बटे बीस काम करता है तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे जोड़ लेंगे भैया एक बटे बारह जमा एक बटे बीस लेंगे जी साठ आएगा बारह पाँच साठ बीस तीए साठ उत्तर आया आठ बटे साठ चार दूनी आठ चार पंद्रह यही आया ना भाई तो दो बटे पंद्रह यानी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में दो बटे पंद्रह यूनिट काम कर लेते हैं दोनों मिल जाएं तो एक दिन में दो बटे पंद्रह यूनिट काम मेरे भाई कर लेते हैं तो टोटल वर्क हमने माना क्या था एक यूनिट तो सवाल में पूछा जी पूरा काम कितनी देर में कर लेंगे तो भाई तो टोटल वर्क है एक यूनिट और दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में करते हैं दो बटे पंद्रह काम तो एक दिन में दो बटे पंद्रह काम तो पूरा एक यूनिट काम कितने दिन में तो एक बटे दो बुटे पंद्रह प्लट के ऊपर आंसर तो आएगा बटे दो, मेरा पूरा काम, बटे दो दिन में होगा साढ़े सात दिन में होगा ऐसे मेरे बच्चों हम स्कूल में पढ़ा करते थे और वहां यही तरीका होता था तो सवालों को करने का हाँ ना? अब लेकिन रॉबिन नैन सर जी मेरा नाम ले लो अच्छा तुम अपने नाम ही लिवा लो मशा आज नवीन कुमार गुड इवनिंग मनीषा मनीष सर वेरिएबल मानिए अब रुक जाना वेरिएबल हराम खोर बात मानेगा नहीं सुनील सिंह परसेंटेज सी आई एस आई एवरेज पार्टनरशिप दोबारा नहीं कराएंगे क्या जरूर कराएंगे भाई सुनील कैसी बात कर रहे हो क्या तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है फिर राजस्थान की धरती से प्रणाम राठौर साहब आपको भी सी बी टी लागू अरे अभी छोड़ो सी बी टी को सर मेरा कोरोना सही हो गया बहुत खुशी की बात है तलिया राम खोर पढ़ाई में ध्यान नहीं तो यहां तक तो था भाई डिटेल यही हम स्कूल में क्या करते थे लेकिन अब अगर ये पेपर में सवाल ऐसे आ जाए अब अगर ऐसे पेपर में सवाल आ जाए तो ऐसे नहीं करिएगा अब हमें ऐसे करने चाहिए कि ए पूरा काम ए किसी काम को बारह दिन में करता है और बी पूरा काम बीस दिन में कर है तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम काम को कुछ ऐसा मानेंगे अब हम काम को कुछ ऐसा मानेंगे जिससे फ्रैक्शन ना बने काम ऐसा मानेंगे जिससे हमारी फ्रैक्शन ना बने और हमारी एफिशिएंसी बहुत प्यार प्रेम से निकल के आ जाए तो क्या किया जाए 12 और 20 का एल्शियम ले लेंगे 12 20 का एल्शियम 60 तो टोटल तो वर्क तो है 60 तो 12 पाँच 60 बीस दिए साठ वही अगर ये 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा था 20 दिन में 60 तो एक दिन में तीन ये एक दिन में पाँच तो टोटल तो वर्क है जी साठ यूनिट दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं पाँच और तीन आठ तो साठ यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा पंद्रह बटे दो में यानी साढ़े सात दिन में दोनों मिलकर पूरा काम कंप्लीट कर दैट इज ऑल योर आंसर अमित कुमार भाई ले तेरा भी नाम ले लिया ठीक है जी इक्यावन बटे दो नहीं हराम खोर पंद्रह बटे दो करिए जी पहला सवाल। जी ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन थर्टी डेज एंड ट्वेल्ट डे ए और बी इसी काम को तीस दिन और बीस दिन में पूरा करते हैं तीस और बीस का आया साठ तीस दिन में साठ तो एक दिन में दो बीस दिन में साठ तो एक दिन में तीन तो टोटल वर्क हुआ जी सिक्सटी यूनिट दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे दो और तीन पाँच दोनों मिल जाए एक दिन में पांच यूनिट तो साठ यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे बारह दिन आंसर योर ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूट करेक्ट पक्का हाँ भाई सागर वर्मा जी गोवा घूमाए करिए जिसको प्रीति बेटा टाइम एंड वर्क स्टार्टिंग से ही हो रहा है आज फर्स्ट क्लास है टाइम एंड वर्क की हाँ बेटा शैलेश कुमार जी फर्स्ट क्लास है टाइम एंड वर्क सर साढ़े छः बजे वैच वाली अर्थमेटिक की क्लास अपलोड करा दीजिए जो भी बची रेलवे की पेपर है पंकज भाई नहीं हमें दिक्कत आती हम सिस्टमेटिक ही चलेंगे आइए जी देखिए जी कह रहा है ए बी व सी ए किसी काम को बारह दिन में बी किसी काम को पंद्रह दिन में जी और मेरे भाई सी उसी काम को बीसवें दिन में पूरा कर ले बीस दिन में तो बारह पंद्रह बीस का एल्सम ले लोगे जी कितना आएगा सात बारह दिन में साठ एक दिन में पाँच पंद्रह दिन में साठ एक दिन में चार बीस दिन में साठ एक दिन आए ना कह रहे जी तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे तो टोटल वर्क है जी साठ यूनिट तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना पाँच चार नौ और तीन बारह एक दिन में बारह यूनिट तो साठ यूनिट करने में कितने दिन लगे तो पाँच दिन में पूरा काम खत्म हो जाए जी करिए सत्यम भाई अपनी बैटिंग क्यों नहीं दिखाई दिखाई है बेसिकली कैमरा मैन ने वीडियो शूट की थी उसने प्रोफेशनल तो आजकल मैं वो क्लिप इशू कर देगा हमें तो बाकायदा यूट्यूब चैनल पर करियर ऐप पर वो सारी क्लिप आपको मिलेंगी मैच वाली। जिसमें हम बूढ़े बूढ़े भागते हुए रन आउट हो रहे हैं या शॉट मार रहे हैं या आउट कर रहे हैं भाई कैरेवल का डाउट सेक्शन इसलिए ओपन नहीं हो रहा होगा इस समय क्योंकि सब छुट्टी मनाने गए हुए हैं सारा स्टाफ हमारा कुछ ही बच्चे हैं जो क्रॉसफिट क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता वो तो रेडी पे मिली थी ये टी शर्ट पसंद आई ले ली अब तो इस पर क्या लिखा उस बात का मतलब कौन जाने आइए जी अरिथमेटिक आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है आप क्यों परेशान हो रहे हैं योर एडवांस विल बी कम्प्लीटेड नाउ वी आर रनिंग ऑन योर अरिथमेटिक्रॉम टाइम एंड वर्क एक इसी काम को दो घंटे में पूरा कर सकता है बी इसी काम का तीन गुना काम आठ घंटों में और सी उसी काम को आठ घंटों में देखिए यार यथाजी एक इसी काम को दो घंटे में पूरा कर लेता है बी उसी काम के तीन गुने काम कोताजी बी जो है वो तीन गुना काम आठ घंटे में पूरा कर रहा है तो एक गुना काम कितनी देर में कर लेगा आठ बटे तीन घंटे में एक गुना काम कर लेगा जी आठ बटे तीन घंटे भाई एक गुने की तो बात हो रही है है ना भाई ए जो है वो अपने एक गुना काम एक गुना काम मतलब ओरिजिनल काम तो ओरिजिनल काम दो घंटे में कर लेता है और कह रहा है बी अपने ओरिजिनल काम का तीन गुना आठ घंटे में तो एक गुना कितनी देर में आठ बटे तीन घंटे में बी आठ बटे तीन घंटे में पूरे काम को करता है और कह रहा है भैया सी जो है वो शैतान है उसे काम को करने में आठ घंटे लगते हैं सी जो है वो आठ घंटे में पूरा काम करता है अब एक बात समझिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ए किसी काम को दस दिन में और बी किसी काम को बीस बटे तीन दिन में कर या बारह बटे तीन बारह बटे पाँच दिन में कर दोनों की एफिशियंसी बताई तो मेरे बच्चों मैंने बताया कि हम काम कुछ ऐसा मान लेते हैं हम काम को कुछ ऐसा मान लेते हैं जो इससे भी भाग हो जाए और इससे भी भाग हो जाए काम को हम ऐसा कुछ मान लेते हैं जो इससे भी डिवाइड हो जाए इससे भी डिवाइड हो जाए तो काम कुछ ऐसा मान लेते हैं तो ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो इससे भी डिवाइड हो इससे भी डिवाइड हो तो ये जो नंबर है ये बारह बटे पाँच से भाग होना चाहिए मतलब ये नंबर बारह से पूर्णतः भाग जाना चाहिए क्यों पाँच की जरूरत क्यों नहीं है क्योंकि पाँच तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है यानी ये जो नंबर होना चाहिए ये पाँच से भाग होने वाला नहीं बारह से भाग होने वाला चाहिए तो जब भी आप एल्शियम लेते हो तो हमेशा ऊपर वाले का लो दस और बारह का दस और बारह एल्शियम आए जी साठ तो दस चिंगे साठ और बारह पाँजे साठ तो साठ को बारह बटे पाँच से भाग दोगे बारह पाँचे साठ पाँजू पाँजू पच्चीस क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं है ना पक्का भैया कर रहे हैं क्या दो आठ और आठ का एल्शियम ले लो क्या है आठ दो चौका आठ आठ को भाग दोगे आठ बटे तीन से ये तीन पलट के ऊपर आया तो ये आठ को आठ से भाग दोगे एक आए ना तो टोटल वर्क कितना है जी आठ यूनिट टोटल वर्क कितना है आठ यूनिट तीनों की एफिशिएंसी कितनी है चार तीन सात और एक आठ तीनों की एफिशिएंसी आठ यूनिट आठ को आठ से भाग देंगे तो एक यानी तीनों मिलके पूरा काम एक घंटे में पूरा कर मेरा आंसर आए ना तीनों मिलके पूरा काम एक घंटे में कंप्लीट कर लेंगे सर जी स्पीड क्यों नहीं आ रही रोबिन नैन भाई अभी मत सोचिए स्पीड के बारे में अभी आपकी पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आपको सारे सवाल आते हो रख दो भैया थैंक यू तिहत्तर सौ वाली बुक है आपके पास या जो भी प्रैक्टिस की बुक है इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू मस्ट हैव टू नो आपको आने चाहिए सारे क्वेश्चन तो पहले तो आप सीख लो उसको आना चाहिए चीज़ वो चीजें अब बात आती है स्पीड कैसे बनाए सॉरी दूसरी चीज है कि स्पीड कैसे बढ़ाए तो पहले तो सारी चीजें आनी चाहिए है ना आने के बाद आप खूब बढ़िया से दम लगा के प्रैक्टिस करिए और धीरे 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 हल्की हल्की सी स्पीड इंक्रीज होगी फिर एक टाइम आएगा जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा जब पूरा सिलेबस होगा हो ना तो आप 20 दिन का एक ट्रायल पैकेज सिलेबस हो, हो चुका और मैं एज ए स्टूडेंट हूं तो मैंने क्या करना है डेली का पैकेज तैयार कर लेना डेली बीस क्वेश्चन करने है और बीस दिन का पैकेज बीस दिन का पैकेज और बीस क्वेश्चन मैंने करने हैं समझ रहे हो मेरी बात क्या करना है कोई भी पेज खोल लेना ये पेज खुला देखना नहीं कौन सा खुला और आंख बंद करके उंगली टेक लो उस क्वेश्चन पे फिर देखो कि वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे ऐसे देखो बीस क्वेश्चन आप बीसों के बीसो आप कर पा रहे हो कि नहीं आ रहे कर पा रहे इससे पूरी तरह औकात पता चल जाएगी कि कॉन्सेप्चुअली हमने चीजें जो सीखी है वो सेट है कि गलत है ये तो थी भाई चीज जानने की अब आते हैं स्पीड पे अब स्पीड के लिए क्या करना होगा जब आपका सारा सिलेबस हो जाए तो पेपर से एक से दो महीने पहले या डेढ़ महीने पहले करियर विल पे हम अपने आप भी शुरू करेंगे एक टेस्ट सीरीज अनाउंस करेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लिए जो हमारे स्टूडेंट है उनके लिए तो ये जो टेस्ट सीरीज होगी इसकी फिर आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी है ना और अगर आप फ्री की दे रहे हैं तो डेली एटलीस्ट दो सेट करने हैं दो सेट एक सेट पूरा सो नंबर का सुबह जिसमें इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस होगी और एक सेम सेट शाम को और इनके वीडियो एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे वहां से आप देखेंगे कि दिन दोगुनी चार चौगुनी तरीके से आपकी आपकी उन्नति होगी स्पीड स्पीड की और -खट खिस्ती चली जाएगी <coughs> जानदार स्पीड बन जाएगी है ना और इस बात का भी ध्यान रखिए कि हर चैप्टर स्पीड नहीं बनाता अगर आप सोचे ज्योमेट्री में स्पीड बन जाए और ज्योमेट्री का हर क्वेश्चन एक से दो सेकंड में हो जाए इट इज नॉट पॉसिबल आप गलत सोच रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में है ना हाँ, लेकिन अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क पढ़ने लग रहे हैं अरिथमेटिक में मोस्टली पोर्शन ऐसे हैं जहां आप क्वेश्चन को दो से तीन सेकंड में कर लेंगे तो जब ये कंप्लीट होगा ना तो स्पीड बनेगी और मेरे भाई स्पीड का मतलब ओवरऑल सारे चैप्टरों से कुल मिला के होगा है ना एक चैप्टर को मत मान के चलिएगा ठीक है आ जाइए सवाल में घबराओ नहीं अभी तो पहले प्रैक्टिस करते रहो अपनी मेहनत करके उसके बाद देख लेंगे हम स्पीड को हम साथ हैं तुम्हारे टेंशन ना लिया करो आग लगा देंगे देखिए भैया कहता भैया जी ए किसी काम को बीस दिन में बी उसी काम को 5 दिन में कर लेता है तो भैया ये बताओ ए और बी दोनों मिल जाए तो टोटल काम हो गया बीस बीस से कम बीस पाँच छो बीस तो ए और बी दोनों मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे आप कहोगे जी टोटल वर्क है बीस यूनिट दोनों मिल जाए तो एक दिन में चार और एक पाँच यूनिट तो बीस यूनिट काम करने में लगेंगे जी चार दिन अब आगे सवाल में कह रहा है कहता है कि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ यानी ए और बी मिलकर दोनों चार दिन में काम कर रहे हैं ना तो सी अकेला भी पूरा काम चार ही दिन में कर लेगा अकेला भी पूरा काम चार दिन में ही कर लेगा ये सवाल में कह रहा है तो सी चार दिन में बीस करेगा एक दिन में पांच अब कह रहा है जी तीनों मिलके तो टोटल वर्क है बाबू बीस तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना एक और चार पांच और पांच दस हम कहेंगे तीनों मिलके पूरा काम दो दिन में कंप्लीट कर दें दूसरी बात है। अगर मैं दिल्ली से जयपुर जाने में दस घंटे लेता हूं और आप भी दिल्ली से जयपुर जाने में दस घंटे लेते हैं इस बात का अर्थ यह हुआ कि आपकी स्पीड और मेरी स्पीड सेम है ना मैं भी 10 किलो वजन उठा सकता हूँ आप भी 10 किलो वजन उठा सकते हैं मतलब हम दोनों की एफिशिएंसी सेम है तो ऐसे ही अगर सवाल में वो ये कह रहा था कि ए प्लस बी मिल किसी काम को करने में जितना समय लेंगे उतना ही समय सी लेगा तो इसका मतलब हमें ये भी समझना था कि जितनी एफिशियंसी ए प्लस की होगी वही एफिशियंसी सी की होगी है ना तो डायरेक्ट भी उस बात को समझ सकते थे पर कोई दिक्कत नहीं है सिलेक्शन का डर लगा रहता है अरुण भाई कतई डर ना बैठ जो डर गया समझो मर गया निश्चिंत होके बैठिए जीवन में कठिनाइयां खत्म नहीं होनी सिलेक्शन इज नॉट द हर्डल इन योर लाइफ केवल वही एक बाधा नहीं है जीवन की जीवन में ऐसी बहुत सारी बाधाएं आनी है आपको यहीं से लड़ना सीखना होगा आए ना और घबराइए नहीं कोई माइकल लाल आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता मैं खड़ा हूं यहां पे। चिंता मत करो ठीक है करिए अगले को आइए बेटा हम्म कहता है ए एंड बी इसी काम को भैया दस और बारह दिन में पूरा कर लेते दस बारह कैल्शियम है जी साठ दस चिंगे साठ बारह पाँच दोनों उसी काम को एक साथ करना शुरू करते हैं तथा तीन दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है कहता जी दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं लेकिन तीन दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है मतलब ए और बी कितने दिन तक मिलकर काम करते हैं तीन दिन तक उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया तो बच्चा कौन काम पे बी तो बताइए अब काम कितने दिन में पूरा होगा अब ये बताइए ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे छह पांच ग्यारह यूनिट तो तीन दिन में कितना काम करेंगे तैंतीस दोनों मिल जाए तो छह पाँच ग्यारह यूनिट काम करेंगे एक दिन में तो तीन दिन में कितना काम करेंगे तैंतीस टोटल काम है साठ तो साठ में से तैंतीस काम तो कर लेंगे ए और बी मिलके बचा कितना सत्ताईस तो सत्ताईस यूनिट काम अकेले किसने किया होगा भाई बी ने और बी एक दिन में कितना काम करता है पाँच तो एक दिन में पाँच यूनिट करता तो 27 है तो सत्ताईस दिन करने में पाँचों पाँचों पच्चीस दो वटे पाँच दें तो पूरा काम खत्म होने में समय लगेगा पाँच और तीन आठ आठ सही, दो बटे तो भाई मेथड था लकीर के फकीर बनने का ये तो मेथड था मेरे भाई लकीर के फकीर बनने का ठीक है शिवम पांडे भाई सेम टू यू एक बार आप समझो फिर मैं और दूसरी बात बताता हूँ दूसरे तरीके ये वाला योग ये रहे ना हंड्रेड ग्राम देखिए यार दोस्तों योग हर्ट को दही कहते हैं कर्ड बोलते थे योग हर्ट दही हाँ तो दही तो हमारे पास है देखो जी आइए भैया अब सवाल में देखिए क्या कह रहा है कह रहा जी ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया ना कहता है तीन दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है यानी ए ने काम किया कितने दिन तक तीन दिन तक तीन दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया तो बताइए पूरा काम कितने समय में खत्म हुआ हो तो मेरे भाई ए ने तीन दिन में कितना काम किया होगा छः के हिसाब से अट्ठारह टोटल काम था मेरे भाई साठ तो ए ने तीन दिन में छह के हिसाब से अट्ठारह काम किया तो अट्ठारह काम हो गया तो बचा कितना बयालीस तो बयालीस यूनिट काम किसने किया होगा बी ने और बी एक दिन में कितना काम करता है पांच तो बयालीस यूनिट करेगा पान अठे चालीस दो बटे पांच दिन आठ से ही दो बटे पांच दिन अब एक बात बताओ बी पहले दिन से काम पे है और आखिरी दिन तक काम पर रहा तो बेसिकली बी जितने दिन काम हुआ उतने दिन तक रहा तो पूरा काम आठ से ही दो बटे पांच दिन में ही हुआ हा है ना चलिए नेक्स्ट आइए <laughs> देखिए जी कह रहा है कि ए किसी काम को दस दिन में और बी उसी काम को पंद्रह दिन में पूरा कर डालता है तो टोटल काम मान लेते हैं जी तीस यूनिट दस ती, तीस पंद्रह दोनों तीस है जी दोनों उसी काम को एक साथ करना आरंभ करते हैं ए और भी दोनों मिलकर काम को करना आरंभ करते हैं दो दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया यानी ए ने दो दिन तक तो काम किया उसके बाद ए काम छोड़कर निकल गया आए ना तो बताइए काम कितने समय में समाप्त होगा तो बेटा ये बताओ टोटल वर्क है तीस तीस में से ए ने दो दिन काम किया मतलब टोटल वर्क है तीस है तो ए एक दिन में तीन यूनिट तो दो दिन में कर देगा छः यूनिट तो तीस में से छह यूनिट तो ए ने कर दिया बचा कितना चौबीस तो चौबीस यूनिट काम किसने किया होगा बी ने तो चौबीस यूनिट काम किया होगा बी ने और बी एक दिन में कितना काम करता है जी दो यूनिट तो बी एक दिन में दो यूनिट काम करता है तो चौबीस यूनिट करने में लगेंगे बारह दिन इसका मतलब बी ने बारह दिन काम किया और भाई बी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम कर रहा है तो मतलब जितने दिन बी रहा उतने दिन काम चला तो इसका मतलब काम हुआ है कितने दिन में बारह दिन आए ना आइए जी बेटा आइए जी हुँ 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 हुु हुु हुु। कहता है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है ए किसी काम को दस दिन में करता है और बी उसी काम को पंद्रह दिन में पूरा कर ले दस पंद्रह कैलसियम हुआ तीस दस तीय तीस पंद्रह धोनी तीस आए ना सवाल में आगे क्या करा है लेता जी दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया ए और बी ने कुछ समय के बाद ए काम छोड़ देता है कहता जी, ए कुछ दिन के बाद काम करना छोड़ दे और पूरा काम नौ दिनों में समाप्त हो जाता है और पूरा काम कितने दिन में खत्म करता है बी नौ दिन में बी जो है वो नौ दिन में पूरा काम कंप्लीट कर ले तो बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा तो बेटा ये बताओ बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है दो यूनिट अगर बी एक दिन में दो यूनिट काम करता है मेरे बच्चों तो नौ दिन में कितना काम कर देगा अठारह टोटल काम है तीस तीस में से अट्ठारह काम कर गया गा बी बचा कितना भैया बारह तो ये बारह यूनिट काम किसने किया होगा ए ने तो बारह यूनिट काम किया होगा ए ने और ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है तीन यूनिट तो एक दिन में अगर तीन यूनिट करता है तो बारह यूनिट करने में लगेंगे चार दिन इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे बच्चों कि ए ने चार दिन काम किया और उसके बाद काम करना छोड़ दिया और सवाल में यही पूछ रहा कि ए ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ दिया तो योर आंसर वुड बी फोर डेज नॉट ट्वेल्व डेज बी वेरी मच शॉर्ट माय डियर स्टूडेंट्स हाउ वुड यू शेयर दैट ट्वेल्व डेज भाई पूरा ही काम नौ दिन में खत्म हुआ तो बारह तो वैसे भी गलत बोल रहे हो तुम गधे हो क्या सुधीर and देखिए यार आइए देखिए यार ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन ट्वेंटी डेज एंड थर्टी डेज कहता है ए किसी काम को बीस दिन में भैया और बी उसी काम को तीस दिन में पूरा करता है तो बीस तीस कैल्शियम आया जी साठ टोटल वर्क साठ है तो बी एक ए एक दिन में तीन यूनिट और बी एक दिन में दो यूनिट कहता जी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया बट आफ्टर टाइम बी लेफ्ट था वर्क बट कुछ टाइम के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया एंड द होल वर्क विल कम्प्लीट इन सिक्सटीन डेज ठीक है यार यथा ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया कुछ टाइम के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन सिक्सटीन डेज और पूरा काम सोलह दिन में ख़त्म हुआ पूरा काम सोलह दिन में ख़त्म हुआ है तो भैया इसका अंदर ए तो सोलह दिन काम किए होंगे तो ए एक दिन में तीन यूनिट तो सोलह दिन में कितना काम होगा अड़तालीस मेरे बच्चों टोटल वर्क हो गया अड़तालीस काम जो ए ने किया टोटल काम था कितना जी साठ साठ तो में से अड़तालीस काम ए ने कर दिया बचा कितना बारह तो बारह यूनिट काम किसने किया होगा बी ने और बी एक दिन में कितना काम करता है दो यूनिट तो बारह यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे छह दिन इसका मतलब बी ने छह दिन तक काम किया होगा उसके बाद काम करना छोड़ दिया आपसे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर प्रकाश कुमार विवेक कुमार ब्रजेश प्रदीप हिमांशु हिमांशु भाई कमेंट कर दे क्या बात करना चाह रहा है बिक्रू की धरती से प्रणाम आपको भी प्रणाम दीपक भाई नितेश भाई प्रजापति साहब कहा अपना नाम लिख रहे हैं नहीं भैया नंबर नहीं मिलेगा हमारा क्या बात करो हमारा नंबर लेके हमारा जीना हराम कर दो बिल्कुल तो। टाइम एंड अरे हराम करो टाइम एंड वर्क आज ही शुरू हुआ है तो नोट यहीं से बनाओगे भाई ऐसा नहीं है ना कि तुम्हें तो ये गलत फहमी हो रही है टाइम एंड वर्क के लिए मैं मुहूर्त निकालूंगा फिर बहुत बड़ा बेसिक होगा ऐसा कुछ है ही नहीं ना यार जो चीज जहाँ से है वहीं से करा रहा हूँ दुमन पांडे जी आपका भी नाम ले लिया है अब सवाल पे आ जाओ चुपचाप से रोज रोज नाम ना लिया मुझसे करो भैया करो आइए जी कहता है ए तथा बी क्रम से एक काम को बीस दिन और तीस दिन में पूरा करते हैं टोटल काम हो गया जी साठ बीस तीस साठ तीस दो नहीं साठ कहता किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता और शेष काम को ए अब यहां से भाषा अलग है कह रहा है जी ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया लेकिन कुछ टाइम के बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम को शब्दों पर ध्यान देना रेस्ट वर्क को और कह रहा जी रेस्ट वर्क को ए ने अगले दस दिन में समाप्त कर दिया रेस्ट वर्क को ए ने अगले दस दिन में समाप्त कर दिया तो बेटा रेस्ट वर्क ए ने कंप्लीट किया तो ए एक दिन में कितना काम करता है तीन तो दस दिन में कितना काम करेंगे तीन तो टोटल काम था साठ साठ में से तीस यूनिट काम हो गया बचा कितना जी तीन तो बाकी तीस यूनिट काम जो बच गया वो कौन करेगा ए प्लस बी अब ए प्लस भी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं तीन और दो पांच यूनिट दस दिन में कितना कर लेंगे ना तो तीस यूनिट काम करने में लगाएंगे छह दिन इसका मतलब छह दिन तक तो ए और बी साथ रहे फिर बी छोड़ के चला गया तो बाकी का जो काम बच गया उसे ए ने अगले दस दिन में किया तो पूछ रहा है कि काम बी ने बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा तो बी ने भाई काम छह दिन करके छोड़ दिया तो आंसर आ गया सी ऑप्शन सिक्स आइए जी पढ़िए जी करी नीष कुमार पहली बार लाइव क्लास ले रहा भैया मृदुमन पांडे जी एट फोर जीरो नाइन तो कहीं ऑप्शन है नहीं है अच्छा एट फोर डबल जीरो बोले हो जी ऑप्शन करेक्ट है आर वाई पी ई बुक ऐप नहीं चल रहा है उस पर चर्चा करते हैं अभी बात करते हैं सर क्लास हो चुकी है धीरज हाँ भाई हो चुकी है लेकिन फिर से कर रहा है। आइए देखिए यार सवाल में क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कह रहे दो आदमी ए और बी मान लेते हैं कि दो आदमी ए और बी ए किसी काम को कहता जी पंद्रह घंटे में पूरा कर लेता और बी उसी काम को बीस घंटे तो पंद्रह और बीस का एल्सियम आ गया क्या कहता जी एक इसी दीवार को पंद्रह घंटे में बना लेता है जबकि बी उसी दीवार को बीस घंटे में कोई दीवार बनाना अपने आप में मेरे बच्चों काम नहीं होता है कोई दीवार बनाना अपने आप में काम नहीं होता है दीवार के अंदर ईंटे लगाना अपने आप में काम होता है दीवार बनाना अपने आप में कोई काम नहीं है दीवार के अंदर जो ईंटे लगती हैं वो बेसिकली एक काम कहलाता है ना दीवार में जो ईंटे लगती है वो हमारा एक काम कहलाता है तो पंद्रह और बीस कैल्सियम आया कितना साठ तो हम मान लेते हैं कि दीवार में साठ यूनिट ईंटे लगाने का काम तो बेटा मेरे ये बताओ ये अगर पंद्रह घंटे में साठ यूनिट ईंटे लगा रहा तो एक घंटे में कितनी लगा रहा होगा चार यूनिट ईंटे पर घंटे ये बीस घंटे में साठ तो एक घंटे में तीन यूनिट ईंटे पर घंटे माने मेरे भाई ए और भी दोनों मिल जाए ए और भी दोनों मिल जाए तो हर घंटे कितनी ईंटे लगा देंगे चार और तीन सात यूनिट हर घंटे सात यूनिट ईंटे लगा दें ए और भी दोनों मिल जाएं तो हर घंटे सात यूनिट ईंटे लगा सकते हैं ऐसा हमने समझा क्योंकि हर घंटे चार लगा सकता है तीन तो हर घंटे सात यूनिट ईंटे लगा सकते हैं लेकिन कह रहे जी जब ये मिलके काम करते हैं जब ये मिलके काम करते हैं तो पूरी दीवार बारह घंटे में तैयार कर देते हैं। लिखवाता हूं समझाता हूँ, पढ़ाता हूं तो कह रहा जी पूरी दीवार बारह घंटे में तैयार कर लेते हैं देखिए हा हाल दो सौ अस्सी ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को बारह घंटे में तैयार कर देते बना देते हैं कहता है लेकिन अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो पूरी दीवार 12 घंटे में तैयार कर देते हैं मतलब पूरी दीवार मतलब 60 यूनिट ईंटें कितनी देर में लगा देते हैं जी 12 घंटे में तो 12 घंटे में 60 यूनिट ईंटें तो एक घंटे में कितनी पाँच यूनिट पर आवर यानी एक घंटे में पाँच यूनिट ईंटें लगा लेते हैं एक घंटे में मेरे भाई कितनी ईंटें लगा लेते हैं पाँच यूनिट तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझाऊ मुझे एक बात कि हर घंटे लगा सकते हैं सात यूनिट ईंटें लेकिन हर घंटे लगा रहे हैं पाँच यूनिट हर घंटे मेरे बच्चों लगा सकते हैं सात यूनिट ईंटे लेकिन हर घंटे लगा रहे हैं पाँच यूनिट ईंटे मतलब हर घंटे कितने यूनिट ईंटों की बेईमानी हो रही है दो यूनिट ईंटों की हर घंटे बेईमानी हो रही है हाँ ना? जबकि सवाल में कह रहा है जी हर घंटे 280 सौ ईंटों की बेईमानी हो रही है सौ ईंटों की बेईमानी तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 140 सौ यानी एक यूनिट जो है वो 140 सीटों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी 60 गुना एक 140. तो आएगा सौ चालीस चौरासी सौ यानी कुल मिला के दीवार में चौरासी सौ ईटें लगी कुल मिला के इस दीवार में चौरासी सौ ईटें लगी यही मेरा उत्तर है ठीक है जी बढ़े आगे गुंजन भाई क्या पूछ रहे हो सिर्फ ये कमेंट है रिप्लाई दो रिप्लाई दें देखिए जीनियस भाई ये मुझे नहीं पता कि पूरा बैच कब कंप्लीट होगा मैं पढ़ाते जा रहा हूं आप पढ़ते जाइए बहुत जल्द खत्म हो जाएगा अरिथमेटिक में उतना टाइम नहीं लगता जितना एडवांस में समय लगता है चिंता मत करो एडवांस डबल टाइम लेता है बड़े जी भैया आइए कह रहा जी दो आदमी एक दीवार को क्रम से नौ और दस घंटे में बना सकते हैं ए नौ घंटे में दीवार बना लेता है और बी दस घंटे में दीवार यार हमने मान लिया जी पूरी दीवार का जो काम है उसको हमने नब्बे यूनिट मान लिया हमने मान लिया जी पूरी दीवार में नब्बे यूनिट ईंटे लगती है तो नौ घंटे में नब्बे यूनिट ईंटे तो एक घंटे में दस दस घंटे में नब्बे यूनिट ईंटे तो एक घंटे में नौ यूनिट यानी यहां नौ यूनिट पर आवर ईटे बनती है यहां दस यूनिट पर आवर ईटे लगाता है सवाल में कह रहा है जी जब ये मिलके काम करते हैं तो भैया अगर दोनों मिल काम करें तो हर घंटे कितनी ईंटे लगा सकते हैं दस और नौ उन्नीस यूनिट ईंटे लगा सकते हैं यानी अगर मिलकर काम करें तो हर घंटे उन्नीस यूनिट ईंटे लग सकती हैं उन्नीस यूनिट ईंटे हर घंटे लग सकती है। लेकिन कह रहे जी जब ये मिल काम करते हैं तो कुछ बातें बातें करते होंगे इनकी स्पीड कुछ धीरे होती होगी तो पूरी दीवार बनाने में इनको पाँच घंटे लग जाते हैं कहते हैं मिल करते हैं तो पूरी दीवार पाँच घंटे में लगा देते हैं कितने घंटे में जी पाँच घंटे में पांच घंटे में नब्बे ईंटें लगा रहे तो एक घंटे पर घंटे हर घंटे उन्नीस अट्ठारह तो हर घंटे कितनी यूनिट ईंटों की बेमानी एक यूनिट हर घंटे ईंटों की बेमानी जबकि सवाल में कह रहा जी हर घंटे दस ईंट कम लगा रहे हैं दस ईंटे प्रति घंटा कम लगा रहे तो एक यूनिट दस घंटे ना एक यूनिट दस ईंटें हैं तो नब्बे यूनिट की वैल्यू नब्बे गुना दस उत्तर आएगा नौ सौ ये मेरा आंसर है यानी दीवार में कुल मिला के नौ सौ ईंटों का सामान लगाना पक्का आइए आओ जी देखो मेरे बच्चों सवाल में क्या रहा है समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां क्रम से चार घंटे और छह घंटे में पूरी तरह जल जाती समान ऊंचाई की दो कैंडल एक कैंडल का नाम ए है दूसरी का नाम बी कहता है ए जो है वो चार घंटे में पूरी तरह जल जाती है बी जो है वो छः घंटे में पूरी तो चार और छः कैल्सियम क्या आया जी बारह तो मान लेते हैं कि दोनों ही कैंडल की जो हाइट है वो बारह यूनिट है आए ना सवाल ने कहा थैंक यू भाई दीपक कुमार रजक धनबाद की धरती से प्रणाम थैंक यू स्वीकार है तो मान लेते हैं जी मोमबत्ती की हाइट है बारह यूनिट तो अगर ये चार घंटे में बारह यूनिट मतलब बारह यूनिट मोमबत्ती की हाइट तो अगर ये चार घंटे में बारह यूनिट जल रही तो हर घंटे जलेगी तीन यूनिट तीन यूनिट पर आवर ये छः घंटे में बारह यूनिट जलेगी तो हर घंटे जलेगी दो यूनिट पर आवर आए ना यानी ये हर घंटे दो यूनिट जलेगी या हर घंटे तीन यूनिट जले मानते हैं कि नहीं मानते अब भैया ये मोमबत्ती मान लिया एक कैंडल ये है एक कैंडल ये दोनों की हाइट सेम है ऐसा सवाल ने कहा दोनों की हाइट सेम है कहता जो पहले वाली कैंडल है वो बहुत तेज गति से जल रही है इसकी स्पीड है तीन यूनिट पर आवर जलने की जो दूसरी कैंडल है धीरे जल रही है इसकी स्पीड है दो यूनिट पर आवर जलने की दोनों की हाइट बारह बारह मीटर है इसकी भी हाइट बारह मीटर है इसकी भी हाइट 12 मीटर मान लेते हैं कि x घंटे के बाद x आवर के बाद ये दोनों जल के इनकी हाइट का जो रेशियो बचेगा जलने के बाद इनकी हाइट का जो रेशियो बचेगा वो टू टू थ्री बचेगा क्योंकि तेज जल रही है तो जल्दी जल्दी खत्म होती जाएगी हाँ ना तेज जल रही है बाबू तो जल्दी जल्दी खत्म होती चली जाएगी सही है गलत है सही है जल्दी जल्दी खत्म होगी समझ रहे हो ना मेरी बात और ये धीरे जल रही है तो बड़ा धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि इसकी हाइट तो बचेगी दो यूनिट और इसकी हाइट बच जाएगी तीन यूनिट क्योंकि धीरे चल रही है तेज चल रही है इनकी हाइट का रेशियो दो पा तीन हो जाएगा तो कह रहा जी ऐसा कौन सा टाइम आएगा कितनी देर बाद इनकी हाइट का रेशियो दो पा तीन हो जाएगा तो हम मान लेते हैं कि एक्स घंटे के बाद तो भाई पहले वाली मोमबत्ती की हाइट है बारह यूनिट दूसरे वाले की भी हाइट है बारह यूनिट अब पहले वाली हर घंटे तीन यूनिट जलती है तो एक्स घंटे में कितना जल लेगी तीन एक्स अगर हर घंटे तीन यूनिट जलती है मेरे भाई तो एक्स घंटे में तीन युन... तीन एक्स जल लेगी दूसरे वाली हर घंटे दो यूनिट जलती है तो एक्स घंटे में दो एक्स जल लेगी तो बारह यूनिट लेंथ थी उस बारह यूनिट लेंथ में से जला हुआ हिस्सा निकाल दिया हाँ ना जला हुआ हिस्सा निकाल दिया यहाँ बारह यूनिट लेंथ थी तो x घंटे में जला हुआ हिस्सा बाहर निकाल दिया बचा हुआ हिस्सा बच गया और कह रहे जी बचे हुए हिस्से की लंबाई का अनुपात है दो अनुपात तीन रोज मल्टीप्लाई करो बारह तीस छत्तीस तीन तीनिया नौ एक्स बारह दूनी चौबीस दो दूनी चार एक्स यह पाँच एक्स बराबर बारह एक्स की वैल्यू बारह बटे पाँच दो सही दो बटे पाँच घंटे दो सही दो बटे पाँच घंटे के साठ से बारह दूनी चौबीस दो घंटे चौबीस मिनट दो घंटे चौबीस मिनट बाद इसकी हाइट का रेशियो टू इस टू थ्री रह जाएगा यही मेरा आंसर पक्का जी दो घंटे चौबीस मिनट बाद इसकी हाइट का रेशियो ये रह जाएगा आइए जी लाई बा का हो सर जी किशन कुमार जल्दी क्या बोल रहे वाह समझ नहीं पा रहे हैं देखिए जी कह रहे दो मोमबत्तियाँ पहले वाली मोमबत्ती 12 घंटे में पूरी तरह जल जाती है दूसरे वाली 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती बारह बीस कैल्शियम आया जी 60 मान लिया जी मोमबत्ती की जो हाइट है मेरे बच्चों वो 60 यूनिट है तो अगर ये 12 घंटे में 60 यूनिट जलती है तो एक घंटे में पाँच ये बीस घंटे में साठ तो एक घंटे में तीन यूनिट यानी ऐसे हैं दो कैंडल वही सेम तरीका समझने का समझाने का इसकी जलने की जो स्पीड है वो पांच यूनिट पर आवर इसकी जलने की जो स्पीड है वो तीन यूनिट पर आवर है ना अब कहानी दोस्त ये होगी कि चूंकि ये जल्दी जल रही है तो ये जल्दी जल्दी जलती रहेगी जल्दी ख़त्म होगी है ना ये धीरे जल रही है तो धीरे धीरे ख़त्म होगी तो कुछ टाइम के बाद एक ऐसा सेटिंग बैठेगी टाइम की कि जब इसकी हाइट तो बच जाएगी थ्री तो इसकी हाइट बच जाएगी फाइव के रेशियो तो वो यही पूछ रहा है कि किस समय इनकी हाइट का रेशियो थ्री टू फाइव हो जाएगा आए ना पक्का अलो गौतम भाई क्या बीमारी है आपको सर ये सब हो गया क्लास में दो दो बार बताएंगे क्या सर जी ये भैया टाइम एंड वर्क तुम्हारा पूरा नहीं कराया था ना आए ना और कह रहे रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं अजीब बीमारी है यार तुम्हारे अंदर तो देखिए मान लेते हैं भैया एक्स घंटे बाद ये सब सेटिंग हो पाई होगी तो पहले वाले की भी हाइट साठ मीटर है या साठ यूनिट दूसरे वाले की भी साठ यूनिट पहले वाली एक घंटे में पांच यूनिट जलती है तो एक्स घंटे में कितनी जल रहेगी पांच एक्स दूसरे वाली एक घंटे में तीन यूनिट तो एक्स घंटे में तीन एक्स तो साठ यूनिट में से जला हुआ हिस्सा हटा दिया तो बचा हुआ आ गया साठ यूनिट में जला हुआ हिस्सा हटा दिया तो बचा हुआ आ गया और बचे हुए हिस्से का अनुपात कह रहा है जी तीन अनुपात पांच होना चाहिए

साढ़े सात घंटे बाद ऐसा समय आएगा जब इनकी हाइट का रेशियो मेरे भैया थ्री इस टू फाइव हो जाएगा इनकी हाइट का रेशियो थ्री टू फाइव हो जाएगा तो मेरे बच्चों ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका टाइम एंड वर्क का जो मैंने आपको कराया अब मैं आपके सारे कमेंट पढ़ भी लेता हूँ जवाब भी दे देता हूँ प्रशांत सिंह कहते हैं सर पुराने बैच में क्या बचा हुआ है भाई सच बात तो ये है कि पुराने बैच में जिन बच्चों ने साढ़े छह से आठवें अरिथमेटिक पढ़ लिया था तो उनका केवल टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस बचा है जब आने वाले बीस से एक दिन में ख़त्म हो लेगा बात यह थी कि मैंने ये भी कहा था कि जिनका जिन्होंने अर्थमेटिक उसमें नहीं पढ़ा उनको हम अर्थमेटिक यहाँ पे भी पढ़ाएंगे कंटिन्यू कोई दिक्कत और घबराने वाली बात नहीं है आपको हम यहाँ के बाद टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस ये सारे टॉपिक खत्म होंगे उसके बाद फिर मैं परसेंटेज शुरू करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस सी ये सारी चीज़ें एज इट इज कंटिन्यू चलती रही ठीक है तो मुझे लगता है आपको वो दिमाग की जो बुखार है क्वेश्चंस का वो ख़त्म हो गया होगा इस बात को लेके ठीक है कि आपका सिलेबस कब ख़त्म होगा जनवरी के एंड में ख़त्म हो जाएगा जनवरी मिड तक ख़त्म हो जाएगा अगर आपने पहले वाला बैच ले रख साढ़े छः से आठ में भी आप पढ़ते थे तो नहीं तो दो दो महीने ढाई महीने और लगा लीजिए चेन्नई की धरती से नमस्कार आप सबको नमस्कार वैलिडिटी बढ़ाइए इन टू मंथ्स बढ़ा देंगे कोई इशू नहीं सर सब्सिडियस एग्जाम के लिए एडवांस पढ़ा पढ़ा कर चलो बेटा एडवांस पढ़ा चुके हैं इस बैच में पूरा माथे पे लिखवाओ मत अपने और सी के लिए जो स्टेट्स वाला पोर्शन है वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपके बैच में ठीक है तो बेसिकली उसको मैं चाह ही रहा हूँ कि सूट कर लूँ रिकॉर्डेड कर लूँ उसको और रिकॉर्ड करके आपके बैच में वो रिकॉर्डेड वर्जन प्रोवाइड करा दें ताकि आपके लाइव का समय ख़राब ना हो ठीक है या फिर किसी दिन संडे को मैं क्लास लेके उसको भी कंप्लीट करा दूँ मैंने बिल्कुल अलोक गौतम भाई बोला था कि जो साढ़े छः बजे वाले बैच में पढ़ना चाहें पढ़े ना पढ़ना चाहें ना पढ़े मैं आठ से साढ़े नौ में भी पूरा पढ़ाऊँगा तो आठ से साढ़े नौ में भी पूरा पढ़ाया जाएगा टेंशन वाली बात नहीं एडवांस नहीं पढ़ा संगीता विश्वास बेटा ये तो गलत है आठ से साढ़े नौ में मैं एडवांस पढ़ा चुका हूँ वो तो आपको बैच में है ही आप पढ़ लीजिए एडवांस प्रूडेंस कब ओपन होगा सुखराम भाई जब दिल्ली सरकार परमिशन दे देगी तो उसके पंद्रह बीस दिन बाद हम ओपन कर देंगे आपका मैच मैच का आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा थोड़े दिन में दो तीन दिन में उसकी क्लिपिंग वगैरह तो वो मिल जाएगा ठीक है भाई सर तक कब होगी जी डाटा इंटरप्रटेशन आपके में भी होगी मैंसूरेशन के प्रैक्टिस आपके बैच में डल जाएगी जो ट्रिक वाली चीज़ें कह रहे हैं वो सब आपको मिल जाएंगी उसमें ठीक है डाटा इंटपोटेशन डी वाली बात ही हो गई वो डी भी आपके में होनी है प्रोबेबिलिटी भी मैं कराऊंगा प्रोमोटेशन कम्बिनेशन भी मैं कराऊंगा स्टेट्स भी मैं कराऊंगा लेकिन उनके आपको रिकॉर्डेड पोर्शन मिल जाएंगे इस बैच में ठीक है और आप लाइव चाहेंगे उनको तो संडे को किसी दिन क्लास रख के लाइव भी करा देंगे उनको क्योंकि मुझे वो सूट ही करने तो आप लाइव चाहेंगे तो मैं लाइव करा दूंगा आपके बैच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ को ठीक है जी बहुत गया से धन्यवाद आपका आपको भी प्रणाम हमारा चलिए जी थैंक यू आप सबका पंकज रमेश मैच देखने आए थे बहुत अच्छा थैंक यू बेटा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू यार वेरी मच